हेलो एवरीबॉडी। तो कुल मिलाकर जो बातें होनी है आज, वो जाहिर सी बात है हम लोग काफी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। इट्स ए टिपिकल PYQ क्लास। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फील फ्री टू आस्क वट एवर यू कैन। जो आप मुझसे सवाल करना चाहें वो आप मुझसे पूछ लीजिए। ओके गाइस, सो दिस इज बेसिकली आई एम गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द वेरी बेसिक फैक्ट्स ऑफ द जो एक चूहा आ गया था मेरी चेयर टेबल पे। हो जाता है, चूहे से भी डर लगना पड़ता है, यू नो, हंता वायरस। अनएकेडमी चैनल पर ओपन नहीं हो रही चैनल क्लास, सो लेट मी चेक इट आउट फर्स्ट ऑफ ऑल। क्लासेस शुड बी देयर। क्लासेस वर्किंग ऑन बोथ द चैनल्स एट ए टाइम। सबका वर्क कर रहा है अब। चाइना वाला माउस से डर लगता है भाई। चलिए, आज का जो ओवरऑल डिस्कशन है वो बेसिकली हमारे छोटे बच्चों के लिए है, दोज हु आर इन स्वाति प्रजापति एंड व्हाट एल्स। छोटे बच्चे बोलो तो, एमएससी एंट्रेंस के सारे बच्चे।
पिक्चर क्वालिटी बहुत बुरी है, मेरे यहाँ तो बहुत अच्छी आ रही है। आप अपना जो रेजोल्यूशन होता है यूट्यूब में, राइट हैंड साइड पे होगा, उसको रेजोल्यूशन आप 720 या 4, थोड़ा उस नीचे वाला कर लो, 350 से ऊपर वाला रेजोल्यूशन कर लो, क्वालिटी ठीक हो जाएगी। आपके पास चॉइसेस आ रही होंगी 240, 360, 480 और 720। अब मैं जो रिले कर रहा हूँ यहाँ से वो 720 का है, सो इट मस्ट बी वेरी गुड क्वालिटी। उसमें आता है नीचे की तरफ सेटिंग में जाके, आपके यूट्यूब में राइट हैंड साइड पे सेटिंग में आता है। तो आज जो मैं ओवरऑल डिस्कशन लेने वाला हूँ आपका, वो बहुत सिंपल सा है। कुछ एक बेसिक चीजें मैं आप लोगों के लेने वाला हूँ, PYQ बेसिकली, जो DU में पूछे जाते हैं, और ये वो PYQs हैं जिनको आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा आसान, आसान की कैटेगरी में यूजुअली मैं इनको रखता हूँ। सो वी शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज PYQs। ये सवाल मजे की बात है, मैंने SLS के जब PYQ सॉल्व करवा रहा था तब भी पूछा था सेम क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। दोज हु आर वॉचिंग मी ऑन अनअकैडमी लाइव चैनल, जस्ट से मी हाय। नेहा जी आपकी हो गई पिक्चर क्वालिटी ठीक? हाँ, थ्री डॉट्स आ रहे होंगे आपके बगल में, वहां से जाके ठीक कीजिए उसको। अब उसका तो बाकी तो मैं सिखा नहीं सकता, दिस इज द मैक्सिमम आई कैन डू। चलिए यहां से सवाल सोल्व करेंगे। फॉर ए प्रोटेक्शन ऑफ ए स्पीसीज इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट मेनी अदर स्पीसीज दैट मेकअप द इकोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ इट्स हैबिटाट। कल चॉइसेस कल वाली ही है, लेकिन सवाल का आंसर कल वाला नहीं है, इसको आप थोड़ा सा क्लियर रखेंगे, है ना? तो सोच समझ के जवाब देना है। क्वेश्चन कल वाला ही है, मतलब सॉरी, चॉइसेस जो चार चॉइस थी वो कल वाली है, लेकिन आंसर कल वाला नहीं है। साहिल शर्मा, ये जो वीडियो है ये असल में यही वाला वीडियो है, आप थोड़ा सा इंतजार करें, मैं यही सब कुछ कुछ बातें करने वाला हूँ। एक्चुअली PYQ तो इसलिए होता है कि लोग आए सुने तो सही कि भैया MSc एंट्रेंस में क्या क्रैक करना है। इंडिकेटर स्पीसीज हो नहीं सकता, ठीक है? प्रोटेक्शन हमेशा किसके अंदर जाके मिलता है? आपको बारिश से बचना है तो आप क्या लगाओगे, छाता? छाता लगाते हो क्या? और आप जब छाता खोलते हो, छाता बहुत बड़ा हो, तो आप तो आते आते हो बगल में, एक लड़की भीगी भागी सी, अगर आपने गाना सुना है राज कपूर एंड नरगिस, हम सबके पैदा होने से बहुत पहले एक मूवी आई थी, आई थिंक इट्स आवारा, एक लड़की भीगी भागी सी, तो उसमें छाता होता है, एक साथ दो लोग आते हैं, है ना? छाता किसी और का होता है, आ कोई और भी जाता है उसमें, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अम्ब्रेला, छाता। बड़ा शानदार शब्द है जी।
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है जो आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर एंड डीएनए कंटेंट, आई रिपीट, इज ट्रू फॉर द डिप्लोटिन स्टेज ऑफ द मेमिलियन ओसाइट. बड़ा प्यारा सा प्रश्न है. आपने स्टार्ट किया कुछ इस तरीके से, और जो मैंने आपको सिखाया था G1S G2M, और M में पांच लोग, 1 2 3 4 5, LZPDD, ये सीखते हैं अपन, ठीक है. और अगर ये सीखते हैं तो मामला क्या हो जाता है, हमें समझना पड़ेगा कि क्रोमोसोम का नंबर का क्या मामला है. से फॉर एग्जाम्पल, हियर आई पुट दिस सिचुएशन, यहां पर भी क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर वो का वही बना रहेगा, बट मामला शायद ऐसा हो जाएगा. यहां पर भी मामला ऐसा हो जाएगा, डिप्लोटीन LZPDD डाइकाइनेसिस. यहां पर भी अगर आप क्रोमोसोम्स को देखोगे तो ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज वगैरह कर रहे हैं कुछ. सो क्रोमोसोम के नंबर में कोई भी चेंज नहीं आने वाला, टेट्राड कंडीशन हो चुकी है. देर विल बी टेट्राड कंडीशन समथिंग लाइक दिस. सॉरी, इसको तो आप भूल जाइए. ये क्या करेगा, एक सिंगल पेयर ये ऐसा हुआ और एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो गया. तो अगर शुरुआत में क्रोमोसोम नंबर एन था, अगर ओवरऑल नंबर टू का है तो देखा जाए तो एक दिखेगा भी थोड़ी देर के लिए, तो है सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा. डीएनए कंटेंट जो ओरिजिनल चीज है उससे आपको डबल नजर आएगी, डीएनए कंटेंट आपका ऐसा नजर आएगा. इस सवाल को ध्यान रखना, ये मैंने यहां पर एक नॉर्मल सेल के कंपेयर में पूछा है. यहां पर जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें दी हुई थी कि नॉर्मल सेल यानी डिप्लॉइड सेल में आपको ऐसा नजर आ रहा है एन और डीएनए कंटेंट, ये नॉर्मल सेल यानी कि डिप्लॉइड सेल का नंबर दिया हुआ है, तो डिप्लॉइड सेल का भी दुगना नजर आएगा वो यहां. वैसे इस सवाल को आप कंट्रोवर्सी में डाल सकते हो, अगर सीएसआईआर में सवाल आ जाए तो इस सवाल कंट्रोवर्सी में जाएगा, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक सवाल है, इसका ये आंसर भी हो सकता है. जहां कि मैं ये मान के चलूंगा कि मेरा हैप्लॉइड नंबर एन है, या कुछ कुछ भी मैं इसमें बकवास कर सकता हूं, बट डीयू के हिसाब से ये मामला बिल्कुल सही है, ठीक है. इस छोटी सी बात का आप ध्यान रखेंगे. मैं थोड़ा सा आगे जाऊं. ईच मॉलिक्यूल ऑफ फैट हैज, थोड़ा सा आपको एक चीज क्लियर कर दूं, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द डीयू एंट्रेंस, उनको आपको जो खास बातें ख्याल रखनी है कि प्लीज हैव ए बैलेंस बिटवीन द क्लासिकल टॉपिक्स एंड योर मॉडर्न टॉपिक. इसमें आप बिल्कुल बैलेंस लेना. आज मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं ये बेसिकली डीयू का जूलॉजी का पेपर है, डीयू जूलॉजी एंट्रेंस 2016 का, ठीक है. और जितने भी मॉडर्न टॉपिक इसके अंदर लिए हैं वो लिए मैंने आज. अगले वाले सेशन में मैं इसके क्लासिकल टॉपिक भी लूंगा, इसमें कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट वगैरह सारा कुछ इंक्लूड होगा. तो आपको 1:1 रेशो के हिसाब से तैयारी करनी, ये आप खास ख्याल रखेंगे. आप गलती से भी एक प्रेडिक्शंस मत लेना कि डीयू के पेपर में मॉडर्न ज्यादा आता है, बीएचयू के में क्लासिकल ज्यादा आता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना, इसको आप थोड़ा ख्याल रखेंगे. आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर एक लिंक आया भी अभी, उस लिंक पर क्लिक करके आप बाकी ज्यादातर लोग उस चैनल पे आइए, दूसरे चैनल पे. इस वाले चैनल को मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर रहा हूँ, जिस चैनल पे आप देख रहे हैं आधार इंस्टीट्यूट वाले पे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिंक आया है उसको क्लिक कर दीजिए, दूसरे चैनल पे आइए फटाफट. आई विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग ऑन दैट चैनल. ईच मॉलिक्यूल ऑफ फैट, फैट का मतलब क्या होता है, लिपिड, लिपिड का मतलब क्या होता है, कोई ना कोई आपका एक अल्कोहल हो उसके साथ आप एसिड को जोड़ दो, ठीक है. मजे की बात है ये क्वेश्चन टेक्निकली गलत है, डीयू में बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं वैसे,
बेसिकली सवाल पूछना चाह रहे हैं शायद टीएजी के बारे में, ट्राइसल ग्लिसरॉल फैट उसको भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो स्टोर्ड फैट होते हैं वो वही वाले होते हैं। ठीक है, आई रिपीट, यू जस्ट कम ऑन द अनअकैडमी चैनल, आपके व्हाट्सएप के ऊपर एक लिंक है, उसको क्लिक करके अनअकैडमी चैनल के ऊपर आइए और मुझे हाई कीजिए। यस चिरंजीवी, यस सरिता। सो इन द केस ऑफ टीएजी दिस विल बी योर आंसर। टीएजी की बात आपको ऐसे करनी पड़ेगी। रिसेप्टर फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स आर लोकेटेड ऑन, कहाँ होंगे रिसेप्टर? न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए सेल्स आर इम्परमीएबल, वी नो इट, और इफ सेल्स आर इम्परमीएबल, मेम्ब्रेन्स आर इम्परमीएबल सॉरी, तो न्यूक्लियस आपका हो नहीं सकता, गोल्जी आपका हो नहीं सकता, एंडोसोम आपका हो नहीं सकता, दे आर ऑलवेज सेल सर्फेस रिसेप्टर्स। कहानी कुछ इस तरीके से जाएगी। ओके जस्ट प्रेस द लाइक बटन देयर। एक व्यक्ति है, उसका ब्लड ग्रुप है ए। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं, जो दोज हुआ फ्रॉम द सीएसआर नेट उनके लिए ये सारा का सारा सेक्शन बी के सवाल है। एक व्यक्ति है, उसका ब्लड ग्रुप ए है, उसने एक महिला से शादी की, बी ब्लड ग्रुप की, उनका पहला जो बच्चा है वो ओ ब्लड ग्रुप का है। फटाफट से आपने कहा कि वो व्यक्ति संभवतया इस तरह का है और इसकी वजह से उनका पहला बच्चा ऐसा हुआ होगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सेकेंड चाइल्ड विल हैव ब्लड ग्रुप ए बी? क्या क्या पॉसिबिलिटीज आपकी बन रही हैं? एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है, एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है, और एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है। मजे की बात है, इस तरह की मैटिंग में चारों तरह की पॉसिबिलिटी बन रही है और हर एक तरह की पॉसिबिलिटी ये वाली होती है। हाँ, बी और डी एक जैसे हैं इसमें, ये क्वेश्चन बहुत सारे गड़बड़ होते हैं डी एंट्रेंस में वैसे। या मेरे ख्याल से थ्री लिखा होना चाहिए, या तो टाइपिंग मिस्टेक है या कुछ। बेसिकली टीएजी यार ये होता है, सिंपल सा फंडा है अपना, तो या थ्री होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो बी आंसर जाएगा फिर। इसको अपन थ्री मान के इसको बी आंसर कर देते हैं, दैट इज बेटर, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, नाउ यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड द एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट। अब ये क्वेश्चन भी मजे की बात है, कंट्रोवर्सी में क्वेश्चन था, बोर्ड पॉज हो गया। मेरे एंड पे तो सही चल रहा है सब कुछ, एट माई एंड एवरीथिंग इज करेक्ट। पता नहीं अभी सही जा रहा है। मिस पायल, आई हैव नो आइडिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज थोड़ा सा अनाउंसमेंट कर दूं, कल सुबह 9:30 बजे से जेएनयू एंट्रेंस का प्रॉपर क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है एकेडमी के ऊपर। सो दोज हुआर इन एमएससी एंट्रेंसेस प्लीज डू कम इन द प्लस क्लास, दिस इज ए प्लस क्लास, प्लस स्टैंड्स फॉर द पेड क्लास। सो आप लोगों को इसका ख्याल रखना है। 82 में ये क्वेश्चन टेक्निकली गलत है, क्योंकि इसमें दो आंसर एक ही चीज को इंगित कर रहे हैं, इन दोनों का मतलब एक ही बात होता है। क्वेश्चन नंबर 82 में
ठीक है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन किस चीज को कहते हो कि आपने एक पूरा का पूरा सिस्टम क्रिएट किया और उसमें आप इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो और प्रोटॉन से कह रहे हो कि भैया अंदर आ जा, और इस दौरान में आप बहुत सारे लोगों से को बाहर भेजवाते हो 442 करके, और जब कभी भी यहां से ये आता है सो देर इज सिंथेसिस ऑफ एटीपी, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। ठीक है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन आप यूज नहीं करोगे। टीसीए का प्रोडक्शन जो एटीपी का होता है वो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन होता है, तो अगर आपका आंसर बी है तो आप एक गलती कर रहे हो मिस्टर चिरंजीवी, दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। यहाँ फास्फोरिलेशन का शब्द का इस्तेमाल नहीं करोगे। प्रोडक्शन ऑफ एटीपी बाय द केमी ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक थ्योरी इट वॉज गिवन बाय द पीटर मिशेल। पीटर मिशेल की केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। एनारोबिक प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, ये भी एक तरह का सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन ही होता है, इससे हम कुछ नहीं कहेंगे। सो विल बी गोइंग फॉर द आंसर नंबर थर्ड। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर ऑफ पैरासिम्पेथेटिक, सिंपल सा फंडा याद रखना है। देर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स, पैरासिम्पेथेटिक और सिंपेथेटिक। ये प्री प्री पोस्ट पोस्ट। इसके अलावा बाकी सारे एक ही जैसे होते हैं, सिंपेथेटिक का पोस्ट गैंग्लियोनिक के अलावा बाकी सब एक जैसे होते हैं, और ये होता है एड्रेनर्जिक। दिस इज एड्रेनर्जिक एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स, यानी कि जो लोग एपिनेफ्रिन को रिलीज करवाते हो। इज इट सो? बाकी सारे के सारे कौन होंगे? दे आर कॉलिनर्जिक। कितने लोगों ने पढ़ रखी है बात, न्यूरॉन्स वगैरह पढ़ रखे हैं सबने? जो मैं लिख रहा हूं वो बहुत लेट आ रहा है, 2 मिनट दीजिए। अब सही आएगा, सही आ रहा है अब। हाय हाय, अब सही आ रहा है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इनर सेल मास यानी कि आईसीएम किस चीज में डेवलप होता है? दो तरह की बातें करते हैं, आईसीएम और आपका ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट आपका एक्सट्रेमरिक मेम्ब्रेन्स बनाता है, और आईसीएम पता नहीं क्या बनाता है, मुझे भी याद नहीं है। यस दीजिए आंसर। अगर आपने थोड़ा बहुत डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ा हुआ है, शौनक सिन्हा बाबू, डेवलपमेंटल बायोलॉजी थोड़ा बहुत किया हुआ है आपने, ट्राई करें आंसर के लिए। आंसर इज
all the structures which are found inside the embryo, embryonic structures. Embryonic structures को याद करने का एक सिंपल सा फंडा याद रखना, तीन चीजों के बारे में बात करते हो, एक्टो, मीजो, एंडो, ठीक है? आपको याद करने का है कि भैया मैं जहां पर उंगली उंगली घुसा सकता हूं ना, जिस भी जगह पर मेरी उंगली जा सकती है, वो सब कुछ एक्टोडर्म हो सकता है. जिस भी जगह पर मेरी उंगली घुस जाए, वो सब जगह है जो मेरी उंगली की रेंज में है, वो एक्टोडर्म होता है. और जहां मुझे ट्यूब घुसानी पड़े पूरी की पूरी, या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं एंडोडर्म. और इन दोनों के बीच का बचा कुचा सारा का सारा मेसोडर्म. सिंपल फंडा. एक्टोडर्म में क्या क्या आ जाएगा? आपकी आईज आ जाएंगी, पिट्यूटरी पीनियल, हाइपोथैलेमस, बेसिकली ब्रेन वाला सारा स्ट्रक्चर. उसके बाद मुंह डाल दो, नाक डाल दो, कान डाल दो, कान में मिडिल ईयर के पहले पहले तक का, ठीक है? मिडिल ईयर के पहले पहले का, एनस, माउथ, स्किन, दैट्स इट, एवरीथिंग इज एक्टोडर्म. एंडोडर्म में क्या आएगा? ट्यूब डालो. ट्यूब डाल दिया आपने तो आपके लंग्स में ट्यूब डाल दो, हार्ट हार्ट में मत डालना, आपकी पूरी इंटेस्टाइन में डाल दो, लिवर के ऊपर डाल दो, थायराइड के ऊपर डाल दो, सब पे ट्यूब डाल दो, बन गया आपका एंडोडर्म. याद रखने का मेरा तरीका है, ठीक है? फिर आ जाओ आपके एड्रिनल ग्लैंड. एड्रिनल ग्लैंड में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बाहर की तरफ मेसोडर्म होता है, अंदर की तरफ इनका एंडोडर्म होता है. बाहर की तरफ यानी कि कॉर्टेक्स इज ए मेसोडर्म, और जो मेड्यूला है वो है एंडोडर्म. उल्टा चलता है थोड़ा सा उसमें, ठीक है? हॉर्मोन्स याद करने का भी तरीका यही होता है कि आप एक इंसान को खड़ा कर दो, ये उसकी मुंडी, ये उसका हाथ, ये उसके पांव, और यहां उसकी नेवल. नेवल पे एक लाइन खींच दो, ऊपर की तरफ चले जाओ सारे प्रोटीन्स, और नेवल के नीचे सारे के सारे स्टेरॉइड्स. नेवल पे यहां पर लिख दो मेडुला, और यहां लिख दो कॉर्टेक्स. तो एड्रिनल कॉर्टेक्स, टेस्टिस, ओवरी, ये सारे के सारे लोग क्या करेंगे? स्टेरॉइड्स बनाएंगे. और ऊपर की तरफ अगर चले जाओ, सारे के सारे आपके प्रोटीन्स बनेंगे. सिंपल सा याद करने का तरीका, ठीक है? वॉकमैन कैनाल्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैनाल्स, हार्वेसियन कैनाल एंड द वॉकमैन कैनाल्स. जो आपकी बोन्स होती हैं, उसमें इस तरह की लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स होती है, इनको बोलते हैं हार्वेसियन कैनाल. और इनको जोड़ने वाली जगह जगह से उनको बोलते हैं वॉकमैन कैनाल. ठीक है? सो हार्वेसिन केनाल, वॉकमैन केनाल किसको कनेक्ट करती है? तो हार्वेसिन केनाल को एक्सटर्नल सरफेस, नहीं जी नहीं. टू एडजेसेंट लैक्यूना कंटेनिंग द बोन सेल, नहीं जी नहीं. वॉकमैन केनाल कनेक्ट हार्वेसिन केनाल विद लैक्यूनी, यस, एंड दैट इज आंसर. ठीक है? अभी सही नहीं हुआ है? हाय, हाय, एच एम टी 10 इज माय रेफरल कोड. साथ चल रहा है, अलग अलग चल रहा है, आई हैव नो आइडिया. ये अटक रहा है बार बार. तो
बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी यार। पॉज हो गया। चलिए अभी तो इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, मुझे कुछ ठीक करना पड़ेगा। अगली क्लास एक बार फिर है आपके साथ मेरी। ओरिजिन ऑफ मॉडर्न फिश एंड प्लेसेंटल मैमल्स अकर्ड ड्यूरिंग विच पीरियड। तो क्या हुआ था, हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, हेलीकॉप्टर नीचे उतरा, उसने आवाज निकाली, ट्राई जुर क्रैट। ठीक है, यहां पर क्या था, डायनासोर था, बुरी तरह से काम कर रहा था और उसके डर के मारे आर्कियोप्टेरिस उड़ गया, डायनासोर के डर के मारे इस जगह पर। ठीक है, और जो ऑर्गेनिज्म थे वो प्लेसेंटा लेके भाग रहे थे अपनी, यहां पर प्लेसेंटा लेके भाग रहे थे लोग बाग। आंसर क्या हो गया, जुरैसिक। तो एंसेस्टर्स ऑफ जो प्लेसेंटल्स थे वो सारे के सारे आपके जुरासिक में आए थे। आई होप आप में से किसी ने मेरा एक वीडियो देखा होगा, जियोलॉजिकल टाइम स्केल को याद करने की स्टोरी। असल में मैं वो स्टोरी बोल रहा था। कितने लोगों ने देख लिया है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, कैमोड सिलदेव मिस पेनीपर टाइप का, कैम ऑर्ड सिलदेव मिस पेनीपर। ट्राइजुरक्रेट कितने लोगों ने किया हुआ है, किया हुआ है। हाँ रिवाइज तो करना पड़ेगा यार, तुमने तो दिसंबर में कर लिया था। ओके यस, इट्स ए बेसिकली ट्रिक टू लर्न द ओवरऑल जियोलॉजिकल टाइम। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक होता है, उसमें उसकी स्टोरी है बड़ी शानदार सी। योगिता आप क्या अनएकेडमी पे हो, प्लस कोर्स में या किस पे हो, इवोल्यूशन में है? दो, एक पूरा वीडियो है आधे घंटे का मिस नेहा सरदाना जी, उसको आप देखिएगा। हाँ मैंने किसी लाइक स्पेशल क्लास में लिया होगा, अगर लिया होगा तो। एक ट्रिक होता है इसको पूरा का पूरा याद करने का, शॉर्ट ट्रिक होता है, तो वो आप 3-4 दिन मत लगाना याद करने के लिए, 15 मिनट में याद हो जाता है। जैसे अमीनो एसिड याद होता है ना अपनी क्लास में 15 मिनट में पूरा अमीनो एसिड, वैसे इसके अंदर भी होता है, 15 मिनट में पूरा जियोलॉजिकल टाइम इसके लिए याद किया जा सकता है, 15 से 20 मिनट। फिनोमिना और नॉट रिमेम्बर्ड, नॉट रिमेम्बर्ड कुछ पढ़ाया तो होगा मैंने किसी दिन, मैंने अभी पिछले 1 महीने के अंदर अंदर पढ़ाया कहीं पे, मुझे याद है बस, आइदर ऑन यूट्यूब और ऑन सम स्पेशल क्लास। एक बार देखना यार, मुझे भी आइडिया नहीं है एक्चुअली। इतनी सारी वैरायटीज होती है क्लास की, आई गुरु जी, अन अकेडमी प्लस, अन अकेडमी स्पेशल, यूट्यूब एंड समथिंग समथिंग, तो मुझे भी याद नहीं होता कि एग्जैक्टली कब कहाँ पढ़ाया मैंने। इवोल्यूशन में देख लेना, जिनके पास आई गुरु जी है तो इवोल्यूशन के अंदर है ये। योगिता जी आप कौन से कोर्स में हैं, सबसे पहले तो आप ये बताएं। अगर आप सीएसआर नेट में हैं तो आई एम स्टार्टिंग द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इन आरडीटी ऑन 30th of March, और अगर आप एमएससी एंट्रेंस कोर्स में हैं तो कल से मेरा जेएनयू एंट्रेंस का क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है। आप ये क्रिटेशियस ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन वाली जो कहानी ऑर्डर में नहीं है, ये एक अलग ऑर्डर है। आप प्लस कोर्स में सीएसआर नेट में हो तो 30 मार्च से मेरा मॉल बायो शुरू हो रहा है। अभी आप स्पेशल क्लासेस कीजिए मस्त, खूब सारा नया नया चीज ले रहा हूं। अभी थोड़ी देर बाद सीएसआर नेट की एक और स्पेशल क्लास होने वाली है, गवली इज ग्रेट। अरे गवली एक गैंगस्टर का नाम है महाराष्ट्र का,
आयान मुखर्जी उसकी बेटी ने अभी चुनाव लड़ा था विधानसभा का, एंड शी लॉस्ट। और अरुण गवली, इट वाज नेम ऑफ द पर्सन इज अरुण गवली। एक्चुअली उससे क्लिक किया था मुझे एक दिन, मैं कोई न्यूज पढ़ रहा था। इज ए फेमस गैंगस्टर ऑफ महाराष्ट्र, गवली FMWP। कोई उसको बताने देना तो गोली मार देगा मुझे। द मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ द ब्लड प्रेशर इज, क्या होता है ये ब्लड प्रेशर, मुझे भी याद नहीं है। तो ये हो नहीं सकता, ठीक है। सारा का सारा कौन है? दिस पर्सन धारावी का है। हाँ बिल्कुल। QRS कॉम्प्लेक्स, ECG के बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए, बड़ा प्यारा सा टॉपिक है। कुछ ऐसी होती है ECG, दिस इज PQRS, और यहां पर आप T बना दो, ठीक है। तो इस जगह से इस जगह तक आप पूरी बात करते हो एट्रियल डिपोलराइजेशन, और QRS कॉम्प्लेक्स में आप बात करते हो AD, VD, और इस जगह से इस जगह तक की पूरी बात करते हो इट इज अ QRS। ST सेगमेंट इज द VR। तो AD, VD, VR ऐसे याद रखने का तरीका होगा, AD, VD, VR। एट्रियल डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, ये हो गया आपका। अब QRS इसमें से क्या दिखा रहा है? इट इज अ VD। और VD क्या हो गया? डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। बहुत सिंपल सा तरीका, इज इट सो? आई होप मोस्ट ऑफ यू रिमेंबर दिस। मैं जब पढ़ाता हूं तो घर में सब हंसते हैं, क्यों ऐसा क्यों करता हूं मैं, तो कुछ भी सीरियस रहता हूं, मैं तो कोई जोक भी नहीं सुनाता गंदे गंदे, यार लोग मजाक बनाते हैं मेरी। हाय मिस्टर स्वरूप दास, तुम लोग मूवीज की बातें कर रहे हो यार, मैं तो तुम्हें रिलैक्स कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे सवाल सॉल्व करवा के, जिससे कि टेंशन ना हो जिंदगी में। हाँ? कौन सा नेशनल पार्क है जिसमें आपको हुलॉक गिब्बन मिलेगा? अब गिब्बन नाम की जो चीज होगी वो कहाँ नजर आएगी? जहां बारिश बहुत सारी होती होगी और मॉइस्चर वाली गर्मी पड़ती होगी। गिब्बन खूब जबरदस्त, उसको पेड़ चाहिए, खूब जबरदस्त पेड़ कहाँ होंगे? कॉर्बेट में ठीक है, जंगल बहुत अच्छा है, लेकिन बारिश बहुत सारी और गर्मी वाली बारिश नहीं होती है। रणथंभौर तो हमारे राजस्थान का है, बड़ा सूखा है अभी, अल्लाह भी जाओगे तो बड़ा प्रॉब्लम में आ जाओगे आप, कोई चांस नहीं है। बांदीपुर कहाँ पर है? पता नहीं है बांदीपुर, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जिसके बारे में मैं डैम श्योर हूँ और वो है काजीरंगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आसाम के अंदर खूब सारी बारिश होती है, सवानाज वहां पर है और जंगल बहुत घना है। आई बी गोइंग फॉर द डी। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ तो मध्य प्रदेश में, बांदीपुर मोस्ट प्रोबेबली उड़ीसा में शायद। बांदीपुर टाइगर रिजर्व आपका प्रोजेक्ट टाइगर में भी आता है, कर्नाटका में बांदीपुर, सॉरी कर्नाटका में। हाँ बांदीपुर इज इन कर्नाटका, सो इट्स काजीरंगा, एंड यू बी सरप्राइज टू नो काजीरंगा इज अमंग द टॉप टू थ्री पीपल, टू थ्री नेशनल पार्क जहां पर टाइगर डेंसिटी हाईएस्ट है, अच्छी खासी टाइगर डेंसिटी है, रणथंभौर से भी ज्यादा डेंसिटी बोला है, मैंने नंबर्स नहीं बोला है, ध्यान दीजिएगा।
डीएनए आइसोलेटेड फ्रॉम द वाइल्ड टाइप एंड म्यूटेंट टाइप इकोलाई कुछ लिया गया है एंड इट वाज, मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये एक डीयू का जूलॉजी एंट्रेंस का पेपर है और 2016 का, और मैं मेनली मॉडर्न वाले टॉपिक पर मैं आपको फोकस करवा रहा हूँ इस वक्त। अगला वाला जो सेशन लूंगा उसमें मैं क्लासिकल टॉपिक्स के ऊपर फोकस करवाऊंगा, ठीक है। जो मेरा ओवरऑल ये सेशन लेने का पर्पज है वो ये सिर्फ कि आप प्लीज और प्लीज क्लासिकल और मॉडर्न दोनों के ऊपर बराबर बराबर वेटेज दीजिएगा 1:1 में। क्लासिकल का मतलब है वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट पूरा का पूरा, डेवलपमेंटल बायोलॉजी पूरा का पूरा, आपका एनिमल फिजियोलॉजी वगैरह भी क्लासिकल में डाल दीजिए। मॉडर्न में आप अपना सीबी एमबी योर इम्यूनो माइक्रो इस टाइप की चीजें डालिए, और इसमें एग्जैक्टली इक्वल रेशियो में क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो इकोलॉजी इवोल्यूशन काफी कुछ मैं लेता जा रहा हूं लगातार इसके अंदर, है ना। चलिए हाँ, तो मैंने कहा कि भैया इसको सेपरेट किया आपने सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से, डीएनए फ्रॉम द एम स्ट्रेन, एम फॉर म्यूटेंट इज एक्वायर्ड ए हायर पोजीशन। मैंने फटाफट से इसका डायग्राम बना दिया, मैंने कहा भैया ये वाला मामला है, यहाँ आपका वाइल्ड टाइप है, यहाँ आपका म्यूटेंट टाइप है, ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। तो पहला जो सवाल है आपके दिमाग में उठना चाहिए कि ये ऊपर क्यों चला गया, तो आप कहोगे यार डेंसिटी हमारी कम हो गई, डेंसिटी कम क्यों हुई होगी, अब ये अच्छा सवाल है, या वजन कम हो गया ऐसे समझ लो, इंसर्शन तो नहीं हुआ होगा, कम से कम नया कुछ जुड़ा नहीं होगा, ठीक है। मिससेंस म्यूटेशन का कह नहीं सकते, सबसे ज्यादा श्योर किसके लिए हूं मैं, कुछ ना कुछ था जो कम हो गया, थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है जो कि कम हो गई, और इस कमी को हम कह रहे हैं डिलीशन म्यूटेशन। सुमन कुमारी जी, आई गुरु जी पर मेरा एक ऑलरेडी कोर्स चल रहा है ACF का, आप उस पर जाइए और ज्वाइन कीजिए, स्टार्ट वर्किंग वहां पर। अभी हम लोगों ने बॉटनी जूलॉजी पर काम कर रहे हैं लगातार, ठीक है। तो संभावना किसकी होगी, हल्का हो गया यानी कि म्यूटेंट, म्यूटेंट हल्का कब होगा, जब मामला डिलीशन का होगा, सिंपल सा कॉमन सेंस वाला सवाल है। एंजाइम विच बिल्ड एमआरएनए स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉल्ड, अब क्या बताऊं, इससे ज्यादा आसान सवाल और क्या पूछेगा कोई। डीयू में क्या करते हैं ये लोग, कहते हैं कि यार थोड़ा बहुत तो बना पाए बच्चा 60%+, तो 60% सवाल एक्चुअली वो होते हैं जिनका कोई वजूद नहीं होता, 10वीं 12वीं के सवाल होते हैं वो असल में। बड़ा मजा आ रहा है आप लोगों को आंसर देने में बच्चों के सवाल। ये बड़ा प्यारा सवाल, व्हेन अ वुमन, अ मैन एंड वुमेन कैरिंग एलील फॉर द फिनाइल कीटोनूरिया बट नॉट हैविंग दिस डिजीज डिजीज मैरी हैव ए नॉर्मल चाइल्ड विदाउट डिजीज, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दियर चाइल्ड इज द कैरियर ऑफ द डिजीज। दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, कोई बताएगा ये सवाल गलत क्यों है, डीयू में आया हुआ सवाल गलत है। क्योंकि अभी पिछली क्लास में मैंने कुछ बताया था और 2 दिन से मैं एक चीज बता रहा हूं लगातार, नहीं सवाल ही गलत है। अगर ये मेरे एंट्रेंस में आया होता तो मैं इसको चैलेंज करवाया था। आपको क्यों लगता है सवाल गलत है, द आंसर शुड बी 0.66। चलिए मैं करके बताता हूं मैंने इस सवाल को गलत क्यों कहा है। कैपिटल ए स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए स्मॉल ए, और हमसे कहा गया है कि इसका फिनोटाइप ए है, ऐसा इन्होंने यहां बोला है। अब इस ए की जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी थी, 3।
उसमें से 1/3 पॉसिबिलिटी है इसकी ऐसा होने की और 2/3 पॉसिबिलिटी है उसके ऐसा होने की। कैपिटल ए स्मॉल ए होने की, वन थर्ड एंड टू थर्ड, क्योंकि आपको ये तो बता दिया कि वो नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल के हेटरोजाइगस होने की पॉसिबिलिटी 2/3 होती है। तो यहां किसी भी चॉइस में 0.66 या 0.67 नहीं लिखा हुआ है, एंड दिस इज व्हाई आई एम सेइंग द क्वेश्चन इज रॉन्ग। थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान दीजिएगा इस बेसिक से फैक्ट के ऊपर, बड़ा आसान सा सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टाइप 1 डायबिटीज टारगेट ऑफ द ऑटो इम्यून अटैक इज, किस चीज को नष्ट कर देता है टाइप 1 डायबिटीज? डायबिटीज के तीन टाइप, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 डायबिटीज इज बिकॉज ऑफ समथिंग, दिस इज टाइप 1, दिस इज टाइप 2 एंड दिस इज टाइप 3। ठीक है, कहानी दोबारा बोल दूं मैं। डायबिटीज में पहला टाइप होता है ये, दूसरा टाइप होता है ये और तीसरा टाइप होता है ये। टाइप 1 डायबिटीज में ये सब मिक्स होते हैं, मिसिंग होते हैं। टाइप 2 में ये मिसिंग होते हैं, टाइप 3 में अंदर की कोई बात, ये अंदर की बात है वो मिसिंग होता है। सो आंसर क्या बन गया? ये वाला, इसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, और ये भी एक तरह का इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस है, लेकिन इसमें सिग्नलिंग मिसिंग होती है। ठीक है, बड़ा आसान सा सवाल है। थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, कल सुबह से मेरा एक कोर्स शुरू हो रहा है जेएनयू एंट्रेंस एंड जेएनयू सीब का, सुबह 9:30 पर क्लास है, सो एवरीबडी मस्ट कम, टुमारो इज 26th। अगर आप ऑलरेडी प्लस कोर्स के स्टूडेंट हैं तो एनरोल पर क्लिक कर दीजिएगा उस कोर्स में जाके, और अगर अभी तक आपने अनअकैडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो एटलीस्ट 3 महीने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको जून तक के सारे एंट्रेंसेस मैं प्रिपेयर करवाऊंगा जून 2020 तक। जो लोग अपने जेएनयू के बाद बीएचयू डीयूबी प्रिपेयर कर रहे हो, हाँ वैसे कोरोना का प्रकोप कम होगा और एग्जाम होंगे, अब वो कब होंगे थोड़ा बहुत आगे पीछे चल सकता है। मई वाले एग्जाम तो मेरे ख्याल से होने चाहिए अगर स्थितियां बहुत ज्यादा नहीं बिगड़ी तो। आप घर में रहिए और आप घर में रहोगे तो एग्जाम होगा, बाहर निकलोगे तमाशा देखने निकलोगे तो एग्जाम नहीं होगा, ये आप ध्यान रखना। पड़ोसी अगर बाहर निकले और दिखे तो जोर जोर चिल्लाने लग जाओ, भाई साहब बाहर मत निकलो प्लीज। ठीक है, हॉटस्पॉट का कंसेप्ट किसने दिया था पहली बार? ये बड़ा फेमस सवाल है यार, ये सीएसआर नेट का सेक्शन बी का सवाल भी है, किसी को आता हो तो जवाब दे दीजिए प्लीज, मुझे नहीं आता। हॉटस्पॉट का कंसेप्ट पहली बार किसने दिया था? नाइन पीएम आज रात को आपकी इच्छा हो तो यूट्यूब की क्लास है, उसको तो क्या करना है। ये वाली क्लास मॉर्निंग में है, द हॉटस्पॉट कंसेप्ट वॉज गिवन बाय द नॉर्मन मायर। रट्टा मार के जाना एग्जाम में काम आएगा एवरीबडी ऑफ यू।
An animal cell shows no change in the volume if placed in 0.15 molar sodium chloride. If the same cell is placed in 0.15 glucose, kya hoga uska? ये जो कोर्स है मिस दांगवाल, ये आपका क्रैश कोर्स है आईआईटी जाम में, जिसमें आप पहले आया करते थे, ये वाला कोर्स। और आप जिस कोर्स की इस वक्त यूट्यूब क्लास कर रहे हो वो आईआईटी जाम वाला कोर्स है। हाँ, तो यहां पर सोडियम और क्लोराइड का मामला है, दो लोग पीछे पड़े हुए थे, लेकिन अभी आपने क्या कर दिया, 0.15 इसके सोडियम है और 0.15 इसका क्लोराइड है, बड़ी भयंकर वाला मामला है। अभी आपने क्या कर लिया, ये कर दिया। पहले ऐसा था, अभी मामला ऐसा है, आप इसको यूं लीजिएगा, पहले कंसंट्रेशन ज्यादा थी, अभी कंसंट्रेशन कम है सॉल्यूट की, ये सॉल्यूट है, ठीक है, ये डिसोसिएबल था, अभी ये डिसोसिएबल नहीं है। अब बताओ क्या जवाब दोगे? इज इट सो? जूलॉजी डीयू एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए के क्लास करवाओगे क्या? हाँ मिस्टर प्रेमचंद, मेरी क्लास चालू हो चुकी है अन अकेडमी पे, मई में हम लोग नेक्स्ट ईयर के लिए शुरू कर देंगे अन अकेडमी के ऊपर, और आई गुरु जी पे हर वक्त चल रहा होता है, उसमें कोई स्टार्ट डेट नहीं होती। अन अकेडमी इज टाइम बेस्ड, कितनी बजे क्लास होगी तो इतनी बजे क्लास होगी, आई गुरु जी इज योर इच्छा बेस, आप जब चाहे जब ऑन कर लें। सो मामला क्या होगा, स्वेल कर जाएगी, क्योंकि उसके लिए ये कम कंसंट्रेशन की चीज है, अंदर की तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि यहां कंसंट्रेशन इतनी है, और ये कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो और बाहर कम हो तो पानी क्या होगा, इधर से आएगा, ऑस्मोसिस में पानी चलता है। अयान मुखर्जी, आप ए क्यों कर रहे हो, श्रिंक क्यों करेगी सेल, स्वेल करेगी ना, सेल स्वेल कर जाएगी, नीचे वाली सिचुएशन है। Have you got it? दोबारा बना देता हूं मैं इसको। एक्सेल थी, उसके बाहर ऐसा मामला था और उसको बड़ा अच्छा लग रहा था, इसके साथ ही आइसोटोनिक थी। द वेरी सेम सेल इज कैप्ट विद दिस थिंग, वॉट विल हैपन नेक्स्ट? ये एक हाई कंसेंट्रेशन के साथ आइसोटोनिक थी, तो इस लो कंसेंट्रेशन के साथ मामला क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मैं इस वाले प्रश्न के लिए बात कर रहा हूं सारी की सारी। इज इट सो? शुड आई मूव अहेड? पैरासाइट दैट अल्टीमेटली किल देयर होस्ट इज नॉन एज, बड़े शानदार से शब्द है।
शब्द सिखाया था मैंने एक दिन। इट इज पैरासाइटॉइड, इकोलॉजी क्लास में लिया था अभी मैंने कुछ दिनों पहले। टिक बर्ड ऑन द राइनोसोरस और द सी एनीमोन ऑन द हार्मिट क्रेब वुड एग्जाम्पलीफाई, क्या करते हैं ये लोग? इज इट सो? इट इज म्यूचुअलिज्म। कमेंसलिज्म नहीं है। कमेंसलिज्म क्या होता है? कुछ इस टाइप की चीज। और सी एनिमोन हर्मिट क्रेब वाला मामला क्या है? इट्स प्लस प्लस रिलेशन। टिक बर्ड क्या करती है? राइनोसोरस का मुंह साफ कर देती है, प्लस उसके कीड़े वीड़े खा लेती है जहां पर भी होता है। तो टिक बर्ड को खाना मिल जाता है और इसकी बेचारे की प्रॉब्लम कम हो जाती है। द अल्टरनेट एमआरएनए स्ट्रक्चर दैट रेगुलेट ट्रांसलेशंस आर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अल्टरनेट आरएनए स्ट्रक्चर दैट रेगुलेट ट्रांसलेशन आर। किस बारे में बात हो रही है? मुझे अच्छा लगेगा अगर आप ये सवाल का जवाब दें तो। क्लू में देता हूं, ये एक तरह के ऑपेरोन के अंदर भी इन्वॉल्व होता है, ये इसका क्लू है। एक तो आप जो चैनल देख रहे हैं वो मिस्टर प्रेमचंद, कौन से चैनल का लिंक दूं मैं आपको? आई गुरु जी या अन अकेडमी, दोनों सर्च कर लीजिएगा आप। और यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर। यस मिस्टर शौनक, कहीं आपने सुना है क्या ये वाली चीज, लीडर सीक्वेंस? ऐसा कुछ होता है, एक नंबर, फिर यहां पर आते हो आप, दो नंबर, फिर आप आते हो तीन नंबर, फिर आते हो आप चार नंबर, फिर आपके पास दो ऑप्शन आते हैं कि वेदर टू मेक 2-3 और वेदर टू मेक 3-4। ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है। सो इस कहानी का जो मूल सूत्र है वो ये कि दिस इज द फिनोमिना ऑफ द लो टीआरपी एंड दिस इज द फिनोमिना ऑफ द हाई टीआरपी, लो ट्रिप्टोफेन और हाई ट्रिप्टोफेन। हाई ट्रिप्टोफेन पे मामला क्या होता है? टीआरपी ऑपेरॉन रुक जाता है और इस पे टीआरपी ऑपेरॉन आगे बढ़ जाता है। इट्स अ फेमस एग्जांपल जो आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। हाय गुरप्रीत सिंह फ्रॉम कपूरथला। गुरप्रीत सिंह फ्रॉम कपूरथला, एक ही जानता हूं मैं गुरप्रीत को तो। सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है? पता नहीं क्या होता है, बहुत फेमस सा सवाल है धरती और समुद्र का कि आपको कुछ ऐसा करना पड़ता है। दिस इज वॉट इज कॉल्ड सोडियम पोटेशियम पंप। याद आ गया क्या बात हो रही है? थ्री सोडियम गोइंग आउट, टू पोटेशियम गोइंग इन, एंड हियर इज द आंसर। इज इट सो? सो आई होप दिस विल बी लाइक क्लेरिफाइंग योर सम ऑफ द डाउट्स कि डीयू प्रिपरेशन के दौरान मैं आपको किन चीजों का ख्याल रखना है, जो कि मैं लगातार आपसे कह रहा हूं कि आपको
चीजों को बैलेंस बना के रखना है बहुत अच्छे से कि किस प्रकार से आपके साथ चीजें होने वाली हैं। अगला जो भी कुछ मिलने वाला हूं वो असल में आपके साथ आई विल बी टेकिंग सम ऑफ द टाइप स्टडीज क्वेश्चन पेपर, और उस टाइप स्टडी में आई विल बी मेनली फोकसिंग इनवर्टिब्रेटा। उसके अलावा आई विल बी टेकिंग इन द टाइप स्टडीज सम ऑफ द कंपैरेटिव कोर्डेट्स, आपके ढेरों सवाल बनते हैं बोन्स के ऊपर और स्कल के ऊपर, वर्टिब्रा के ऊपर ढेर सारे सवाल बनते हैं। आप कोई सा भी एग्जाम उठा लो, चाहे आपका BHU का उठाओ, चाहे DU का उठाओ, अगर आप क्लासिकल एग्जाम दे रहे हो तो, या चाहे आप हैदराबाद का उठाओ, इवन अगर आप JNU SLS का एंट्रेंस दे रहे हो तो उसमें भी कई बार ये वाले क्लासिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। आ जाते हैं, आते ही नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, आ जाते हैं। तो आपको प्रिपरेशन करते वक्त इन सब चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है? व्हाट एल्स यू वांट टू नो, जो आप जानना चाहें। अभी थोड़ी देर बाद मैं वापस YouTube के ऊपर अपियर होऊंगा, एंड आई विल बी टेकिंग सम ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ क्वेश्चन एंड क्वेश्चंस एंड आंसर्स। And this will be board class. At 9 PM, I'll be taking the questions from classical genetics. एक सवाल मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्लस स्पेशल क्लास में गलत कर दिया था, लास्ट लास्ट में जो मैं डिस्कस कर रहा था ना, उसको मैंने शायद गलत किया था, तो मुझे उसको दोबारा डिस्कस करना है। उसके अलावा आई विल बी टेकिंग सम ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द सेल बायोलॉजी आल्सो, और कुछ क्वेश्चंस अगर मुझे समय मिला तो बायोकेमिस्ट्री। तीन तरह के मैं करूंगा। एंड अगेन आई वुड लाइक टू जस्ट अनाउंस कि कल से मेरा एक कोर्स शुरू हो रहा है 9:30 पर AM, एंड दिस इज अबाउट JNUEE प्लस JNUCEEB 2020 टारगेट होगा। अराउंड 21 से लेकर 22 सेशंस हैं जिसमें पूरा बायो कवर करने का प्रयास करूंगा जितना ज्यादा आपके एंट्रेंसेस में आता है, ठीक है? जो मेन फोकस रहेगा इस वाले सेशन में, मॉर्निंग का सेशन रहेगा, उसमें मेरा मेन सेशन मेन फोकस रहेगा मॉडर्न बायोलॉजी। मॉडर्न बायोलॉजी का जो मेरा तरीका होगा, डेली मैं आपको PYQs पर बेस्ड थ्योरी पढ़ाऊंगा। अब की बार तरीका थोड़ा सा अलग होगा, शब्द लिखूंगा मैं PYQs, यानी कि कोई प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लिए टॉपिक पर बेस्ड, और उस पर बेस्ड थ्योरी लगातार कंटिन्यू में रहेगी। तो मेरे ख्याल से आपका जो ओरिएंटेशन है दिमाग का वो उसी हिसाब से आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस को उसी ऑर्डर में लूंगा। तो जो लोग मुझसे अभी नवंबर से अभी कांटेक्ट में हैं या लगातार पढ़ रहे हैं, उनके लिए काफी फायदेमंद चीज हो सकती है ओवरऑल। मिस्टर प्रेमचंद, सिलेबस में फर्क नहीं होता, क्वेश्चन के पैटर्न्स में थोड़ा सा फर्क होता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। दे क्लियर कट डिफाइन कि हमारी अपनी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में जो सिलेबस है वो चीजें आपके एंट्रेंस में आने वाली है, वो लोग सिर्फ ऐसा बोलते हैं। तो इसलिए कुछ भी मैं अगर उद्घोषणा करूंगा तो वो एक अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि मैं मेरी तरफ से कुछ कहना बड़ा मेरा दायित्व है कि मैं आपको सही जानकारी दूं, अफवाह न फैलाऊं मैं। सो ओके गाइस, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, और दिन भर मुझे सुनिए, सुबह शाम हर वक्त मैं आपके लिए उपलब्ध हूं, हर वक्त हर जगह पर। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, एंड जस्ट प्रेस ए लाइक बटन जाने से पहले, अगर आपको थोड़ा बहुत पसंद आया तो मेरे सवाल,
कोशिश करूंगा अगली बार, कोई सजेशन अगर आपको हो तो प्लीज मुझे सजेशन जरूर भेजिएगा कि मैं और क्या इंक्लूड कर सकता हूं अपने यूट्यूब क्लास में, या अगर मैं स्पेशल क्लास ले रहा हूं अनअकैडमी के ऊपर तो उसमें मैं क्या इंक्लूड कर सकता हूं, और अगर आप मुझे स्पेशल क्लास ऑन अनअकैडमी पर सुनते हो या यूट्यूब के ऊपर किसी भी चैनल के ऊपर सुनते हो तो मुझे और क्या इंक्लूड करना चाहिए, मैं कोशिश करूंगा वो लेने की। सी यू गाइस।